बड़ौदा। आज छोटा उदयपुर जिले के दूर सुदूर बसे छोटे छोटे गांवों से करीब 2000 आदिवासी भक्त बड़ौदा स्थित अटलाद्रा के स्वामीनारायण मंदिर पधारे थे। हर कोई स्वामी श्री के दर्शन आशीर्वाद के लिए उत्सुक था, किंतु उन दिनों स्वामी श्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। डॉक्टर ने स्वामी श्री को संपूर्ण आराम की ही सलाह दी थी, अतः सार्वजनिक सभा के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। किंतु इन भाविक भक्तों के मन में था कि जब स्वामी श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए पधारेंगे तभी उनके दर्शन कर लेंगे। स्वामी श्री ठीक समय पर जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन के लिए बाहर पधारे, तुरंत ही उनकी दृष्टि चौक में बैठे हुए आदिवासी भक्तों पर पड़ी। उन्हें देखते ही स्वामी श्री पास में ही रखी हुई एक साधारण पाट पर बैठ गए। बुखार एवं कमजोरी के बावजूद उन्होंने इन भक्तों की भक्ति अंगीकार की। वे सभी अपने विभिन्न और परंपरागत वाद्य एवं आयुधों के साथ नृत्य करने लगे। उनका नृत्य पूरा होते ही स्वामी श्री ने प्रसन्न होकर सामने से माइक मंगवाया और अपने नादुरुस्त स्वास्थ्य के बावजूद आदिवासी भक्तों को ऐसा ही सत्संगमय जीवन हमेशा के लिए जीने की प्रेरणा दी, क्योंकि वनवासियों के जीवन उत्कर्ष की पवित्र भावना उनके हृदय में हमेशा बहती रहती थी। जब स्वामी श्री ठाकुर जी के दर्शन करके वापस पधारे, तब भी वही प्रसन्नता से उन्होंने भक्तों के भाव पूरे किए। ऐसी अपार स्नेह वर्षा में सराबोर होने वाले वे भक्त आज भी उनकी करुणा को नहीं भुला पाए। उनके जीवन की हर एक पल परोपकार के लिए थी। ऐसे परोपकार के पर्याय प्रमुख स्वामी महाराज को कोटि कोटि वंदन। संत परम हितकारी जय हो जय हो, प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो जय हो जय।